हेलो डियर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्योंकि हम लोग बहुत दिनों बाद आपके सामने आज फेस टू फेस बातें करने वाले हैं, और इसमें हम लोग ये कुछ सूचना लेकर के आए हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर के आए हैं जो कि आपके लिए बहुत काफ़ी किफ़ायतीमंद साबित होने वाला है। सबसे पहले बात यह है, हम लोग की बात यह है कि सर बताइए कि पहले आपका ऑनलाइन रिजल्ट कैसा रहा है। कुछ लोग मन में बातें चलती होगी, सर आपका ऑफलाइन रिजल्ट कैसा रहा। कुछ लोग जो करीबी हैं वो जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो बता देते हैं। देखिए, हमारे यहाँ ऑनलाइन हमने जितना दिन पढ़ाए थे, बहुत उतना नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा दिन पढ़ाए थे, बहुत कम दिन पढ़ाए थे, मीडियम पढ़ाए थे और हमने ऑब्जेक्टिव ऑन तक पढ़ाया था। उसके साथ साथ हमारे यहाँ से ऑनलाइन में दो रिजल्ट बेहतर आए हुए हैं, यानी कि दो बच्चे जो है हमारे यहाँ से जिला टॉपर है ऑनलाइन से। कहाँ से? ऑनलाइन से। ऑनलाइन से दो दो बच्चे हमारे यहाँ जिला टॉपर है। एक आया है भोजपुर जिला टॉपर दीपिका गुप्ता, और दूसरा ये निशा कुमारी, कहाँ से? गोपालगंज से। इनका है 463 अंक, इनका कितना है? 475 अंक। और दोनों बच्चे, दोनों ही राहुल टीच यूट्यूब चैनल से पढ़े हुए बच्चे हैं। आप लोगों ने लोगों का वीडियो भी देखा होगा, शॉर्ट वीडियो डाला गया था, और इनका आपके पास जल्द ही लॉन्ग वीडियो भी आएगा, ठीक है। और हमारे यहाँ कुछ लोगों की बातें चाहिए, सर आप ऑनलाइन बता दिया है, नहीं नहीं आप ऑफलाइन बताइए। देखिए, हमारे ऑफलाइन के जो दो बच्चे थे वो बिहार टॉप पर थे, बिहार टॉप टेन में दो बच्चे ने रैंक हासिल किया था। एक थी शालिनी कुमार जिसका 5वां रैंक था, दूसरा है कौन जी राजीव कुमार, ये कौन सा 7वां रैंक था। ये दो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बिहार में, बिहार टॉप टेन में अपना स्थान हासिल किया था। और आप वैसे टीचर से पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, और पढ़ने का मन भी करता होगा जिन्होंने जिला टॉप पर बिहार टॉप पर दिए हैं। आपको बता दें कि सबसे पहली बात है कि ठीक है सर, हमने आपका दिखाई है, बहुत सारी चीज़ें देखा। अब बताइए कि आप पढ़ाते कब हैं, कैसे पढ़ाते हैं, ऑनलाइन बैच कब स्टार्ट कर रहे हैं, किस दिन शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले बात है कि ऑनलाइन 10th का बैच कब शुरू हो रहा है और कितना बजे से। आप सभी को बता दें कि 10th क्लास का ऑनलाइन जो बैच है हम लोगों का, वो बैच शुक्रवार से, किस दिन से जी? शुक्रवार से हम लोगों का शुरू हो रहा है। टाइम कम है तो शाम में आपका 7:30 बजे, शाम और कै बजे? 7:30 बजे, क्या बजे? 7:30 बजे, यानी 7:30 बजे से आपका शाम में टाइम, ठीक है। हम लोग यानी कि शुक्रवार से शुरू कर रहे हैं, 7:30 से आपका जो क्लास चलेगा। और इसमें हम लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही अच्छा तरीका से आपका एक अच्छा चैप्टर, जो कि आपके बहुत किफ़ायतीमंद साबित होने वाला है। और आपको हम बता दें कि इस तरह का कुछ लैंग्वेज है चेंज रहेगा, लैंग्वेज चेंज रहेगा, ये कि हम लोग अब इस साल अपनी भाषा में पढ़ें गणित को। गणित को कैसे क्लास में पढ़ाया जाता है, क्लास वाला रूल है आपके सामने फॉलो भी किया जाएगा, यानी ऑनलाइन क्लास है, ठीक है। अगली बात हम लोग करते हैं, यदि सर बताइए कि हम तो ऑनलाइन, ठीक है ऑनलाइन नहीं करना चाहते, हम ऑफलाइन करना चाहते हैं, क्योंकि आप हो सकता है कि किसी आरा के, यानी किसी भोजपुर जिला के, किसी आसपास ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, आप हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन आना चाहते हैं। तो यदि आप हमारे ऑफलाइन आना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन के 3 ब्रांच है। हेड ब्रांच है मौलाबाग आरा में, दूसरा है गोरना रोड में, और तीसरा है आहगांव बाजार, जो कि संदेश की तरफ है। जितने भी संदेश की तरफ के जो छात्र है, संदेश शहर की तरफ, वो लोग आहगांव ब्रांच के ज्वाइन कर ले, और जो लोग गोरना चाहते हैं तो गोरना, यदि मौलाबाग चाहते हैं तो मौलाबाग, क्योंकि हमारे यहाँ से दो दो बच्चे ऑफलाइन से बिहार टॉपर आए हुए हैं। यदि आपको इच्छा हो तो आप ऑफलाइन ज्वाइन करिए, यदि आप बिहार के कहीं अदर राज्य से, अदर जिले से हैं, तो आप क्या करिए, ऑनलाइन बैच को जरूर ज्वाइन करिए। और हाँ, ऑनलाइन जो बैच है, सबसे पहली बात है कि इस बार का जो ऑनलाइन जो बैच होगा उसका कोर्स कैसा रहेगा, पेड होगा या फ्री होगा। तो देखो, हम लोगों ने ऑनलाइन जो बैच है वो शुरू से आज तक फ्री ही पढ़ाए, 3 साल से पढ़ाए, और इन साल में हम लोगों ने फ्री ही रखा है। उसको हमने कैसा रखा है? फ्री ही रखा है। इसमें कोई भी आपको भी रुपया देना है नहीं, एक भी रुपया नहीं देना है। और हाँ, और बताया साहब, और आपको इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर सारी नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि आपका क्लास कब से शुरू होगा, कितना टाइम में क्लास आपका होगा, सारी बातें बताई जाएगी। जो नए बच्चे होंगे जरूर इस बात को फॉलो करेंगे, जरूर ग्रुप ज्वाइन कर ले। जो लोग पुराने बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, ये जरूर शेयर भी कर देंगे, क्योंकि देखो आपका तो भला हो गया, अगर चाहते हो कि आपके छोटे भाई का भला हो, जरूर एक वीडियो को जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपके वीडियो शेयर करने से इंसान का जिंदगी बन जाता है, तो क्या दिक्कत है, शेयर कर दीजिए भाई, कर दो शेयर। और
सबसे बड़ी बात है कि इस बार क्या कुछ खास होने वाला है, इस बार कुछ खास होने वाला ये है, इस बार जरूर कुछ खास होगा। हमने इस साल 2023 में 4 खास किए हैं, यानी कि एक साथ 2 जिला टॉपर और 2 बिहार टॉपर, और खास तौर पर जो हमारे ऑफलाइन ब्रांच है वहां से दो दो बिहार टॉपर। कहीं अब सुने होंगे कि इस संस्थान से एक भी नाम नहीं सुना होगा, यहाँ से दो दो आए हैं, 2 बिहार और 2 जिला टॉपर। तो भाई आप भी जरूर आइएगा, लेकिन कब, जब ज्वाइन करिएगा तब। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर सभी कोई ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास जरूर ज्वाइन करें। अब लोगों के मन में बात चलती है, हमने तो 10th पास कर गए, हमने आपको वीडियो देखा, आप 11th वालों क्या करते हैं? भाई 11th वालों के लिए बता दे एक बार, 11th के क्या होता है बात ना, कि 11th जब भी आप 10th 11th में गए, तो 11th जब भी जाएंगे तो आप वहाँ पर बच्चे 3 पार्ट में पढ़ जाते हैं, 3 पार्टों में, पहला साइंस आर्ट्स कॉमर्स, 3 पार्ट में। अब साइंसों में 2 पार्ट में पढ़ जाएंगे, कुछ ले लेंगे मैथ से, कुछ लेंगे बायो से, तो अभी हम सोच रहे हैं कि 11th क्लास का जो बैच शुरू करे उसका रिकॉर्डेड बैच होगा, यानी उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, अपलोड हो जाएगा रिकॉर्डिंग के सहारे, ठीक है। तो हमने वैसे कुछ व्यवस्था सोच रहे हैं, यदि आप चाहते हैं मुझसे मैथ पढ़ना तो जरूर एक बार कमेंट में 11th मैथ जरूर लिखिएगा, जितने भी 11th क्लास के छात्र देख रहे हैं, क्योंकि 11th क्लास का जो मैथ है वो बिल्कुल और आसान और इतना आसान कि आप कहिए मत, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो भी बातें हैं, सारी बातें आप समझ में आ गया होगा, यदि कोई भी बातें समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं, वहाँ पर कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, और जो भी आपको बातें दिक्कत होगी हमारे जो नंबर है इस नंबर पर एक बार जरूर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, जरूर कॉन्टेक्ट, चाहे ऑफलाइन बात है चाहे ऑनलाइन बात है। और हाँ एक बार और बता दें कि ऑफलाइन के लिए हम लोग का 11th क्लास का जो बैच है केवल ऑफलाइन के लिए, साइंस के लिए इस संस्थान में बैच शुरू हो रहा है, साइंस के लिए 11th का न्यू बैच हम लोग का 20 मई से शुरू हो रहा है, 20 अप्रैल से हम लोग का शुरू हो रहा है मौलाबाग वाले ब्रांच पर, ऐसे 20 अप्रैल से साइंस और आर्ट्स दोनों के, ठीक है। बाकी ये सब का भाई नहीं, साइंस की व्यवस्था, साइंस का आपको पढ़ना पड़ेगा तो मौलाबाग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सारी बात समझ में आ गया होगा, हम लोग मिलते हैं शुक्रवार के दिन, तब तक सभी कोई को जय हिंद।